नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव ऋषि महरमंडा की गुफा बिलद्वार गुफा है। यहाँ पर आपको एक साइन बोर्ड भी दिख रहा है जो हमें इशारा कर रहा है कि किधर जाना है। यह खड़गवा कला ग्राम है, हम यहीं से बिलद्वार गुफा के लिए मुड़ रहे हैं। यह खड़गवा गांव है, यहाँ हम गन्ने की खेती को आसानी से देख सकते हैं। हमें बिलद्वार गुफा जाने के लिए कच्ची रोड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो जंगलों से होते हुए हमें बिलद्वार गुफा तक ले जाती है। आखिर हम बिलद्वार गुफा पहुंच ही चुके हैं। यह गुफा धार्मिक और पुरातात्विक स्थल के रूप में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। यह गुफा राम वन गमन मार्ग में शामिल एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है। कुछ साल पहले यहाँ दर्दनाक हादसा हुआ था। बिलद्वार गुफा में चट्टान धंसने से 3 स्कूली छात्रों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इस धार्मिक स्थल को प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसके बावजूद आज भी श्रद्धालु इस स्थल पर पूजा करने आते हैं। यहां गिरी हुई चट्टाने इस दर्दनाक हादसा का बयान करती है। ये चट्टाने बलुआ पत्थर से बनी हुई है। लोगों का मानना है कि बिलद्वार गुफा के नजदीक ACCL की महान खदान में होने वाली ब्लास्टिंग इन चट्टानों की गिरने का कारण है। ब्लास्टिंग के कारण इस गुफा के अंदर भी काफी दरार आ चुकी है। वहीं इस बीच धार्मिक आस्था के कारण रोज कई लोग आज भी स्थल पर पहुंचकर पूजा करते हैं, साथ ही बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि पूजा स्थल को गुफा से हटाकर ऊपरी क्षेत्र में प्रशासन स्थानांतरित करने की पहल करता तो लोग आज जान को खतरे में डालकर पूजा करने नहीं जाते। आप देख सकते हैं कि कलकल बहते हुए पानी को हम आपको बता दें कि महान नदी की उद्गम इसी बिलद्वार गुफा से हुआ है। यह गुफा छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण परियोजना राम वन गमन पथ में शामिल है। कहा जाता है कि राम वनवास के दौरान यहां पर पधारे थे। यह गुफा सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक में खड़गवा ग्राम में स्थित है। यह सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर व सूरजपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वो दिन आज भी याद है जब हम साइकिल के द्वारा अंबिकापुर से बिलद्वार गुफा आते थे और टायर जलाकर काफी अंदर तक जाते थे। गुफा के अंदर अनेक मूर्तियां हैं और चमगादड़ भी अपना घर यहीं बना रखती है। इस गुफा में काफी दरार आ चुकी है, इसलिए हम अंदर जाने का रिस्क नहीं ले सकते। लोगों का मानना है कि इस गुफा में महरमंडा ऋषि का आश्रम था और वो यहीं यज्ञ हवन आदि किया करते थे। भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहीं पर ऋषि महरमंडा से मिले थे। हम वापस इस गुफा से निकलकर अपने गंतव्य की ओर चलेंगे।
देख रहे हैं यह गुफा का मुख्य द्वार है। पहले हम यहीं से गुफा के अंदर प्रवेश करते थे जो पूरी तरह से धस चुकी है। फिर भी लोगों की आस्था है जो यहाँ पर पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं के लिए नारियल आदि यहाँ पर चढ़ा कर जाते हैं। हम आपको गुफा की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं गुफा पहले कैसे था अब कैसा है। वापस जाने से पहले हम यहाँ दिख रहे वॉच टावर का आनंद जरूर लेंगे। वैसे तो हम वॉच टावर के ऊपर चढ़ गए हैं, इस वॉच टावर से हम पूरे इलाके का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। हमें यहाँ नीचे शेड भी बना हुआ दिख रहा है जो अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। यहीं से हमें खदान का एरिया भी दिखाई दे रही है जिसकी ब्लास्टिंग से गुफा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। हम अपनी यात्रा यहीं पे स्थगित करते हैं, फिर मिलेंगे हम एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।